दिल में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे, हमें रोको ना आज, दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है। नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। आज से 76 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने के लिए अपना आखिरी दांव चला, एक ऐसा दाव जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूले हिला दी। बापू की हुकार ने अंग्रेजी सत्ता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह दिन था 9 अगस्त 1942, जिस दिन गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के परवानों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। 9 अगस्त का वो दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हर भारतवासी को आजादी के मतवालों, उनके संघर्षों, उनके बलिदान और उनकी वीर गाथा की याद दिलाता रहेगा। उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता रहेगा जिसने आजादी की ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसकी ज्वाला ब्रिटिश हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1947 में अंग्रेज हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। आज विशेष में हम जानेंगे कि अगस्त क्रांति थी क्या, कैसे इस क्रांति ने पूरे देश में एक अलग जगह दी और गांधी जी के सानिध्य में देश को वीर सपूतों ने आजादी की वीर गाथा लिख दी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। छिहत्तर साल पहले भारत उबल रहा था और सदियों पुरानी दास्ता की बेड़ियों को तोड़ डालने का इंतजार कर रहा था। तभी करो या मरो के नारे के साथ महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। महात्मा गांधी की ललकार पर लाखों भारतीय अपने जीवन को देश की आजादी के लिए कुर्बान करने घरों से निकल पड़े। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति एक ऐसा व्यापक आंदोलन था जिसने अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत को आजाद करना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आखिरी महान लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के गोलिया टैंक में हुई। बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया। देश भर के स्वतंत्रता सेनानियों की एक ही मांग थी, पूर्ण स्वराज। इस मौके पर महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक भाषण देते हुए कहा, मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूं जिसे आप अपने दिल में उतार लें और आपकी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इन रिस्पेक्ट टू गॉड नीड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ आई डू नॉट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो मित्र राष्ट्र थे, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, इनको लगता था कि विश्व युद्ध में भारत की मदद लेना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारा प्रेशर पड़ रहा था इंग्लैंड के ऊपर कि भारत की मदद ली जाए। लेकिन जब वो मदद लेने के लिए आए तो वो हमारे नेताओं ने कहा कि आप हमको आज़ादी दीजिए और तब हम आपके साथ विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे। वो कोई कंसेशन देने के लिए वो तैयार नहीं थे और लग रहा था कि विश्व युद्ध जापान जो है हमारी ज़मीन पर भी अटैक करने वाला है, हिंदुस्तान में भी विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो उसको लेकर हमारे नेताओं में और हमारी जनता में और सभी लोगों में इस कदर रोष और गुस्सा और क्रोध का माहौल पैदा हो गया था कि इस सब की परिणति अंततः अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हुई। गांधी जी के शब्दों ने जनता पर जादू सा असर डाला और वे नए जोश, नए साहस, नए संकल्प, नई आस्था, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। आंदोलन की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए।
गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। कांग्रेस को गैर संवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों की तमाम कोशिशों के बावजूद कई राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार नहीं हो पाए। इनमें क्रांतिकारी अरुणा आसफ अली भी थीं, जिन्होंने 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल बजा दिया। तभी से मुंबई के इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जनता के बीच से ही नेता उभर कर सामने आए। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और सुचेता कृपलानी जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। बंबई में उषा मेहता और उनके कुछ साथियों ने कई महीने तक कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया। लोग ब्रिटिश शासन के प्रतीकों के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर निकल पड़े और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जो निराली या ख़ास बात भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है कि इसकी शुरुआत गांधी ने की थी। बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता थे वो उसके समर्थन में नहीं थे। राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, कम्युनिस्ट, सारे के सारे ये नहीं चाहते थे कि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन किया जाए। गांधी बहुत ही तुले हुए थे कि ये आंदोलन करना ही है। लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ, और जैसा कि आप जानते हैं गांधी अहिंसा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन ये अहिंसक आंदोलन नहीं हुआ। जैसे ही आंदोलन की शुरुआत हुई, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, तो एक लीडरलेस हो गया। तो जनता ने अपने हाथ में ले लिया, अपनी तरीके से लड़ाई लड़ी, तो हिंसा भी कई जगहों पे हुई। तो इस आंदोलन की एक विशेषता यही थी कि था तो ये गांधीवादी आंदोलन, गांधीयन आंदोलन था, गांधी कहने पे चलाया गया था, लेकिन वो गांधी के हिसाब से नहीं चल रहा था। काफी हिंसा भी इस आंदोलन में हुई थी। पटना के नौजवान विद्यार्थियों ने तो बलिदान का स्वर्णिम इतिहास ही रच डाला। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 छात्र शहीद हो गए। सरकार ने जब आंदोलन को दबाने के लिए लाठी और बंदूक का सहारा लिया तो आंदोलन का रुख बदलकर हिंसात्मक हो गया। अनेक जगहों पर रेल की पटरियां उखाड़ी गईं और स्टेशनों में आग लगा दी गई। बंबई, अहमदाबाद और जमशेदपुर में मजदूरों ने संयुक्त रूप से विशाल हड़तालें की। संयुक्त प्रांत में पलिया और बस्ती, बंबई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर और बिहार के कुछ भागों में अस्थाई सरकारों की स्थापना की गई। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई बी चव्हाण और नाना पाटिल ने किया था। पहली समानांतर सरकार बलिया में चितू पांडे के नेतृत्व में बनी। देश भर में गुस्सा कहिए या आज़ादी की तरफ लोग का प्रेरणा कहिए, इस तरह से उभरा। देश भर में लाखों लोग जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, गोली चली। बिहार के कई गांवों में तो इतना हाल था कि अंग्रेज राज ने ट्रेन लाए और हवाई जहाज से उस एरियाज का बॉम्बिंग किया। एरियल स्ट्रेफिंग की गांव में लोगों की, रेलवे लाइंस कटे, टेलीग्राफ लाइंस कटे, तो अंग्रेज राज कुछ दिन तक काफ़ी हिल गया उससे। तो देश भर में ये चला, बहुत जोर से चला, और ये किसी एक व्यक्ति या पार्टी का नहीं था। काफी देश भर में इस पर काफी उत्साह हुई और लोगों ने अपना रोष भी इस पर निकाला। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी अनोखा था कि इनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने आंदोलन में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि पुरुषों की बराबरी करते हुए इसका नेतृत्व भी किया। भारत छोड़ो आंदोलन इस मायने में भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था, क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी। ग्वालिया टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक भाषण में गांधी जी ने कहा, जब भी सत्ता मिलेगी भारत के लोगों को मिलेगी, और वही इस बात का फैसला करेंगे कि इसे किसे सौंपा जाना है। 1942 के आंदोलन को अंग्रेजों ने दबा तो दिया था, 1.5-2 महीने के बाद में लगभग आंदोलन ख़त्म हो गया था, लेकिन भारत में रहने की उनकी मॉरल लेजिटिमेसी ख़त्म हो गई थी, अथॉरिटी ख़त्म हो गई थी, सेना पे उनका कंट्रोल कम हो गया था, पुलिस के ऊपर कंट्रोल कम हो गया था, हर तबके के भारतीय लोगों पर कंट्रोल कम हो गया था। तो ये तय हो गया था कि अंग्रेज़ों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके, फोर्स का इस्तेमाल करके इस आंदोलन को दबा तो दिया है, लेकिन अब वो ज़्यादा समय तक इस देश में रह नहीं पाएंगे। तो अंततः जो 1947 में अंग्रेज
अंग्रेज़ों ने देश छोड़ा या वो देश छोड़ने पे विवश हुए, मजबूर हुए, तो उसमें भारत छोड़ो आंदोलन की बहुत ही खास और महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत छोड़ो आंदोलन का इतिहास गुमनाम योद्धाओं के बलिदानों से भरा पड़ा है। उस दौर के किसानों, फैक्ट्री मजदूरों, पत्रकारों, कलाकारों, छात्रों, शिक्षा शास्त्रियों और धार्मिक संतों की कई गुमनाम गाथाएं हैं। अगस्त क्रांति एक ऐतिहासिक क्षण था। ये केवल विदेशी दास्ता के खिलाफ महज एक आंदोलन भर नहीं था, बल्कि भारतीय जनता में एक नई चेतना का संचार था। इस नई चेतना ने भारत की आजादी की एक मजबूत जमीन तैयार की, जिसने 1947 में अंग्रेजों को भारत को आजाद करने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे समय में शुरू किया गया जब दुनिया जबरदस्त बदलाव के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में द्वितीय विश्व युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा था। भारत एक तरफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की आशा कर रहा था, जो अहिंसक उपायों और सत्याग्रह से समाज को बदलना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था और भारत को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि ऐसे तो 1942 से पहले से चली आ रही आजादी की लड़ाई से जुड़ी है, लेकिन इसके तात्कालिक कारणों की शुरुआत होती है द्वितीय विश्व युद्ध से बने माहौल से। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद विश्व दो ध्रुवों में बट गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। सितंबर 1939 में युद्ध की शुरुआत में फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जल्द ही ब्रिटेन के अधीन कुछ देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका भी इस गुट में शामिल हो गए। 1941 के बाद मित्र राष्ट्र में अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल हो गए। वहीं धुरी राष्ट्र उन देशों का गुट था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान का साथ दिया और मित्र राष्ट्र के खिलाफ लड़े। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान प्रमुख शक्तियां थीं। ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। वहीं ये आशंका भी प्रबल होती जा रही थी कि कहीं जापान भारत पर हमला ना करते। एक समय ये भी तय माना जाने लगा था कि जापान भारत पर हमला कर ही देगा। भारत में भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई जारी थी। ऐसे हालात में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। मित्र देश अमेरिका, रूस और चीन ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वो भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए पहल करे। इधर राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारत को पूरी तरह आजाद कराने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला। भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को देश की विधायिका या कांग्रेस से बिना बातचीत किए भारत को भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस में ब्रिटेन का साथ देने के मुद्दे पर मतभेद था। ब्रिटेन हर हालत में भारत का साथ चाहता था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से लगातार ब्रिटेन की हालत खराब होती जा रही थी। जर्मनी लगातार ब्रिटेन पर आक्रामक होता जा रहा था। कांग्रेस पार्टी काफ़ी दिन से अंग्रेज राज से बात कर रही थी कि महायुद्ध आ चुका था, अंग्रेज राज भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहती थी। तो भारत के नेताओं का कहना था कि अगर भारत को आप साझेदारी बना रहे इस युद्ध में तो युद्ध के बाद क्या होगा उसकी चर्चा कर ले, यानी भारत आपके साथ जुड़ के लड़ना चाहता है जर्मनी से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमें आश्वासन दीजिए कि युद्ध खत्म हो जाएगा तो भारत को आज़ादी मिल जाएगी, जब आज़ादी की तरफ कैसे हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के इस बात पर अंग्रेज राज टालते रहा, कभी लगा कि आगे बढ़ रहा है, कई बातचीत हुई, राजा जी फॉर्मूला आया, वर्कआउट नहीं किया। भारत का समर्थन हासिल करने के मकसद से ब्रिटेन ने क्रिप्स मिशन का दांव खेला। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन ने बाकायदा एक योजना तैयार की। इसके जरिए ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती थी। ब्रिटेन भारत को सिर्फ डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देना चाहती थी और इसके लिए भी कोई समय सीमा नहीं तय थी। वो भारत की सुरक्षा अपने हाथों में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी।
कांग्रेस समेत भारतीय दलों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को खारिज कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ये आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। जिस तरह से विश्व युद्ध आगे बढ़ा, जिस तरह से लगा कि जापान ने जैसे कि अंग्रेजों को हराया सिंगापुर में, बर्मा में, मलाया में, तो जापानी हिंदुस्तान में भी आ जाएंगे, तो लगा कि भारत थिएटर बन जाएगा वर्ल्ड वॉर का। जिस तरह से अमेरिका के सिपाही लोग भारत की ज़मीन पे आ गए, तो गांधी को और लोगों को लगा कि कुछ इसके लिए करना पड़ेगा। और दूसरा, जिस तरह की उनकी उम्मीदें थी इंग्लैंड से कि वो कुछ हमें कंसेशन देंगे, हमारी मदद मांगेंगे, तो मदद तो उन्होंने हमसे मांगी विश्व युद्ध के लिए, लेकिन कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस वजह से जो गांधी, जो कि बहुत ही रिलक्टेंट, बहुत ही असमंजस में थे 1940 तक, 1942 तक आते आते वो बहुत ही दृढ़ संकल्प हो गए कि आंदोलन को चलाना ही है। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को निराशा मिली, भारतीय नेताओं को चले जाने का एहसास हुआ। वहीं विश्व युद्ध के कारण परिस्थितियां गंभीर होती जा रही थीं। जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, मलाया और बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। जापान के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। अंग्रेज सरकार के रवैये से निराश भारतीयों ने यह मानना शुरू कर दिया कि साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक किसान खारिज कर चुके थे, मजदूर खारिज कर चुके थे, छात्र, महिलाएं, ट्राइबल्स खारिज कर चुके थे, लेकिन जो सर्विसेज हैं, जो ICS है, सर्विसेज में हमारे लोग थे, पुलिस में जो हमारे लोग थे, सेना में जो हमारे लोग थे, वो अभी भी कहीं ना कहीं पे ब्रिटिश राज के साथ थे। 1942 के बाद में ये भी ख़त्म हो गया। जैसे आज़ाद हिंद फौज, अंग्रेज़ों की फ़ौज थी लेकिन उसने संघर्ष किया ब्रिटिश के खिलाफ में। तो 1942 में ये हुआ कि जो उनका सपोर्ट सिस्टम था अंग्रेज़ों का, जिसके आधार पे वो इस देश पे शासन कर रहे थे, वो सपोर्ट सिस्टम उनका ख़त्म हो गया। जो पिलर्स हैं, जो उनके स्तंभ हैं, वो ढह गए। जैसे जैसे दूसरा विश्व युद्ध आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे भारत की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी। युद्ध के कारण तमाम वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ रहे थे, जिसके लिए अंग्रेज सरकार को जिम्मेदार माना गया। पूर्वी बंगाल में बहुत से लोगों को बिना मुआवजा दिए उनकी जमीनों से वंचित कर दिया गया। सेना के लिए किसानों के घर जबरदस्ती खाली करवाए गए। इन सब वजहों से अंग्रेज सत्ता के खिलाफ भारतीय जनमानस में असंतोष चरम पर पहुंच गया था। पूरा माहौल अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। असंतोषजनक आर्थिक स्थिति ने भी महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए बाध्य किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश को आज़ादी यूं ही नहीं मिली, आने वाली पीढ़ियां आज़ाद हवा में सांस ले सकें, इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी। अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन ने जिस आज़ादी की बुनियाद रखी, उसमें सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनकी जानकारी आज भी हमें ब्रिटिश काल के लिखे गए दस्तावेजों से मालूम होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगस्त क्रांति से जुड़े ऐसे ही एक दस्तावेज को ट्विटर पर साझा किया है। हमारे देश को स्वतंत्रता बहुत ही मुश्किलों से मिली, ना जाने कितनी क्रांतियां हुई और कितने ही क्रांतिकारी शहीद हुए, तब जाकर हम अब आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो या अगस्त क्रांति, ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता पाने के लिए देश के महान सपूतों ने कितनी कुर्बानियां दी। अंग्रेजी सत्ता की नींव हिला देने वाली अगस्त क्रांति के दौरान भी सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी मिसाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अगस्त क्रांति को लेकर साझा की गई आधिकारिक रिपोर्ट की कॉपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए औपनिवेशिक शासकों की ओर से फाइल की गई रिपोर्ट ट्विटर पर साझा की है। ये दस्तावेज इस बात का सबूत है कि भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए महात्मा गांधी ने किस तरह अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस आंदोलन ने देश की आजादी के आंदोलन को काफी तेज कर दिया था। इस दस्तावेज में बताया गया है कि अगस्त क्रांति के दौरान कौन सी घटनाएं हुई और किन किन महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश हुकूमत ने निहत्थी जनता पर कितने जुल्म ढाए।
इस दस्तावेज में कहा गया है कि 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद मुंबई सिटी में गांधी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई में लोगों पर आंसू गैस के कोले भी दागे गए। रिपोर्ट में 15 जगहों पर पुलिस फायरिंग में 8 लोगों के मारे जाने और 44 लोगों के घायल होने की जानकारी भी दी गई है। इसके अलावा अहमदाबाद में हड़ताल पर होने वाले पुलिस फायरिंग में 1 की मौत की जानकारी है। इसमें कहा गया है कि पूना में छात्रों की भीड़ पर पुलिस फायरिंग हुई, जहां 1 की मौत हो गई। इसमें सूरत शहर में आंदोलन को दबाने के लिए सैनिकों को रवाना किए जाने की बात भी कही गई है। दस्तावेज के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में हड़ताल की कोशिश हुई। पंजाब के लाहौर और अमृतसर में लोगों ने बड़ी सभाएं की। रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई है कि बिहार में राजेंद्र प्रसाद और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही गांधी जी ने ये आह्वान दिया, ये कॉल दी भारत छोड़ो आंदोलन की, तो लगातार उनको सारे के सारे हमारे बड़े नेताओं को इमीडिएटली जेल में डाल दिया गया। जनता के सामने कोई नेता ही नहीं रहे, तो जनता ने फिर राजनीति को अपने हाथ में लिया और एक लीडरलेस, ये बगैर नेतृत्व का आंदोलन था। स्थानीय नेतृत्व इसमें काफ़ी ज़्यादा था और लोगों ने अपने अपने तरीके से, बहुत ही सशक्त तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कुर्बानी दी और उन्होंने इस आंदोलन को लड़ा। लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस आंदोलन में शहीद हुए, तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है। और ये बड़ी संख्या इसलिए भी है कि अंग्रेज़ों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा रिप्रेशन और बहुत ज़्यादा दमन की नीति अपनाई थी। साम्राज्य का डंडा उन पर बहुत ज़ोर से पड़ा। जैसे मैंने कहा, लाखों लोग जेल गए, उनके फैमिली परिवार पर बहुत हानि पहुंचा, बहुत लोग मरे पुलिस के फायरिंग में, बहुत लोग मरे, बहुत लोगों की नौकरी गई। तो लोगों को एकदम पूरे फोर्स से दबाव के साथ अंग्रेज राज का लाठी उन पर पड़ा, तो बहुत तकलीफ हुई देश को। फिर भी देश जड़ा रहा, अड़ा रहा एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाओं और पुरुषों को याद किया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर भारत छोड़ो आंदोलन पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता को भी शेयर किया, जो 1946 में मदन मोहन मालवीय से जुड़े अखबार अभ्युदय में प्रकाशित हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से साझा किए गए अगस्त क्रांति के ये आधिकारिक दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का दायरा कितना बड़ा था और कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। ये उन असंख्य देशभक्तों की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आस्था कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई को नया आयाम दिया। इसके लिए कभी वो कुशल राजनेता के तौर पर सामने आते हैं तो कभी एक महान विचारक के तौर पर। उनके इसी व्यक्तित्व ने देश को न सिर्फ एकजुट किया बल्कि आजादी के लिए मर मिटने का जुनून भी पैदा किया। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ, साथ ही आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर देख सकते हैं। हमें आपके अहम सुझावों का इंतजार रहता है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी की दूरदर्शिता का परिचायक था। भारत के आजादी के इतिहास में 9 अगस्त 1942 का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन के रूप में आजादी की अंतिम लड़ाई की घोषणा कर दी थी। इससे पूरा भारत आजादी के रंग में सरोबार हो चुका था। ये वो आंदोलन था जिससे ब्रिटिश हुकूमत में दहशत फैल गई। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त ने ऐसी अव्यवस्था पैदा की जिसकी कल्पना अंग्रेजों ने भी नहीं की थी। पूरे भारत में ये आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि अब अंग्रेजों के लिए भारत में रहना दूभर हो गया। भारत अपनी आजादी की लड़ाई के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। इसी का नतीजा था कि महज 5 साल बाद ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल महात्मा गांधी की दूरदर्शिता ने ही आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। इस तरह से बहुत सालों से भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, आजादी की लड़ाई थी, वो चल रही थी और ज्यादा
बीच बीच में आंदोलन होते थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था, सहयोग आंदोलन हुआ था, और भी आंदोलन हुई थी, मगर हर बार बातचीत के जरिए बात टल जाता था और आगे की तरफ बढ़ा दिया जाता था, और सबको वही लगा कि ठीक है ऐसे ही चलते रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन से एक मैसेज गया अंग्रेज़ राज को कि भारत के लोग अब थक चुके हैं, अब उन्हें आज़ादी के लिए इंतज़ार करने को तैयार नहीं है, इतने सालों से इंतज़ार किया था, अब वो उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। आज़ादी के लिए भारतवासियों के आंदोलन में दो बुनियादी समस्याएं थी, पहला नेतृत्व और दूसरा संगठन। 1915 यानी महात्मा गांधी के भारत आने तक स्वतंत्रता आंदोलन बहुत हद तक बिखराव की स्थिति में था। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को न सिर्फ संगठित किया बल्कि उसे एक दिशा और नेतृत्व भी दिया। नतीजा, पहले से ज्यादा मजबूती और धार के साथ आंदोलनकारी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाने में कामयाब हुए। महात्मा गांधी जब भारत पहुंचे तब कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर धीरे धीरे लोगों के बीच में बैठ बना चुकी थी। 1905 के बाद से कांग्रेस के भीतर उग्र विचारों की भावनाएं सुलगने लगी थी, जिसकी धुरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के इर्द गिर्द घूम रही थी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस का एक और स्वरूप देखा, जिसमें कांग्रेस सिर्फ संभ्रांत शहरी भारतीयों के एक क्लब के तौर पर दिखती थी, जिसका छोटे शहरों और गांवों में आम आदमी के साथ जुड़ाव ना के बराबर था। गांधी ने कांग्रेस की इस सीमित पहुंच को देशव्यापी बना दिया। आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए गांधी जी ने देश के मिजाज को समझने की कोशिश की। उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और किसानों के कुछ स्थानीय मुद्दे में शामिल होना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के जुल्मों से उनका पहला टकराव हुआ 1917 में चंपारण में। यहां अंग्रेजों की तीन कठिया व्यवस्था से नीलह किसान कराह रहे थे। अंग्रेजों को गांधी के आगे झुकना पड़ा और इस तरह चंपारण ही दरअसल गांधी के सत्याग्रह की पहली प्रयोगशाला बनी। इसके बाद 1918 का खेड़ा मजदूर आंदोलन और उसी साल अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन ने महात्मा गांधी को आम लोगों के बीच मसीहा बना दिया। महात्मा गांधी लोगों के बीच इतने प्रिय हो गए कि उनकी झलक पाने लोग मीलों पैदल चल कर आते। 1921 तक महात्मा गांधी ने एक तरह से कांग्रेस की कमान हाथ में ले ली। उन्होंने तुरंत कांग्रेस सदस्यता को समावेशी बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा आम लोग कांग्रेस में जुड़ सकें। इस तरह उन्होंने एक देशव्यापी असहयोग जन आंदोलन शुरू कर दिया। हालांकि 1922 में चौरी चौरा हादसे के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। गांधी जी जेल चले गए। बाहर आने पर उन्होंने फिर से जन आंदोलन को जड़ से तैयार करने की कोशिश की। इस दौरान उन्होंने खादी आंदोलन शुरू करने और अस्पृश्यता से छुटकारा पाने और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल की मदद करने के साथ ही 1930 में गांधी ने दांडी मार्च सहित सविनय अवज्ञा शुरू की। उधर तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इससे पूरे देश में एक विशाल जन आंदोलन शुरू हो गया। 1930 से 1932 के बीच गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गांधी लंदन गए और वहां आजादी के पक्ष में अपने मजबूत तर्कों से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। इसके बाद गांधी ने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना जारी रखा। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।